और इधर कोरबा लोकसभा की कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना चरणदास महंत ने अपने सघन जनसंपर्क व दौरे की कड़ी में वाजो में पहुंचकर कांग्रेस की सरकार केंद्र में बनाने का आह्वान किया और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी द्वारा लगातार किए जा रहे व्यक्तिगत हमले पर कहा कि यहां जो आई है वो पहले कहां थी, उनका आता था ना पता, पहले वे अपना पता बताया और एक तरफ वॉशिंग मशीन में करप्टर जाते हैं और उधर से निष्कलंक होकर निकलते हैं। उन्होंने कहा कितना भ्रष्टाचार किया है ये जनता जानती है और मुझ पर आरोप साबित करके दिखाए। आज क्या है, सिर्फ मेरे को कोसने के अलावा वो कर क्या रही है यहाँ, इधर से निकलते हैं। महंत जी ने भी यही कहा है, एक एक आदमी तो खड़ा होकर बता दे कि जो इंसान एक महिला की इज्जत नहीं कर सकता वो हम महिलाओं की क्या इज्जत करेगा, देश की महिलाओं की क्या इज्जत करेगा। ये सोचने का भाव है कि जब वो किसी गरीब, जब हमारी कांग्रेस थी तब शायद 30 करोड़ लोग की जनता गरीबी रेखा में थी जो पूरी उठने वाली थी, लेकिन पिछले 10 सालों में वो 80 करोड़ तक पहुंच गई है। जबकि ये कहते हैं कि हम भारत में विकास कर रहे हैं, वो विकास कहाँ है, वो अच्छे दिन कहाँ है, जब 10 साल से हमें कुछ नहीं मिला। तो अब हमारे साथियों को, हमारी जनता को, हमारे देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि अब इस सरकार को बदलना ही ठीक है, नहीं तो अत्याचार के साथ संविधान तो खतरे में है ही, हम खुद खतरे।